वर्ल्ड कप 1992, जिसे ऑफिशियली तौर पर बेंसन एंड हेजिस वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का 5वां एडिशन था और इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 22 फरवरी से 25 मार्च 1992 तक की। टूर्नामेंट का आगाज़ न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के ईडन पार्क में रंगारंग तकरीब से हुआ। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप कई वजूहात की बिना पर काबिले ज़िक्र था। ये वर्ल्ड कप पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें दिन रात के मैचेस के लिए फ्लड लाइट का इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा ब्लैक साइड स्क्रीन्स का भी इस्तेमाल किया गया और पहली बार टीम्स को कलर्ड किट्स दी गई। दोस्तों, सफ़ेद गेंद का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, फील्डिंग सर्कल के कानून को भी चेंज किया गया और इसमें पहले 15 ओवर्स में सिर्फ 2 फील्डर्स को सर्कल के बाहर जाने की इजाज़त थी और 15 ओवर्स के बाद दायरे के अंदर कम से कम 4 फील्डर्स का होना ज़रूरी था। 1992 के वर्ल्ड कप में 9 टीमें शामिल थीं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका शामिल हैं और इसमें पहली बार राउंड रॉबिन फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हर टीम हर दूसरी टीम से एक बार खेलती है और इसमें 21 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम भी शामिल हुई थी। दोस्तों, इसके अलावा बारिश से मुतासिर मैचेस में दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम के टारगेट का हिसाब लगाने के रूल को भी चेंज किया गया था। पिछला रूल, जिसे दी एवरेज रन रेट मेथड भी कहा जाता है, पहले बैटिंग करने वाली टीम के रन रेट को दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम के अवेलेबल आवर्स की तादाद से मल्टीप्लाई किया जाता था। लेकिन दोस्तों, इस रूल को दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद समझे जाने लगा, इसलिए इसको दुरुस्त करने की कोशिश में नया रूल लाया गया, जिसे मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर्स मेथड का नाम दिया गया। इस रूल में अगर दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम के पास 44 ओवर्स दस्तयाब हैं तो इसका टारगेट इसको पहले बैटिंग करने वाली टीम के 44 सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले ओवर से 1 रन ज़्यादा होगा। दोस्तों, पाकिस्तान टीम इमरान खान की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप में शामिल हुई। पाकिस्तान की टीम में इमरान खान, आमिर सोहेल, आकिब जावेद, इजाज़ अहमद, इंजमामुल हक, इकबाल सिकंदर, जावेद मियादाद, मोइन खान, मुश्ताक अहमद, रमीज़ राजा, सलीम मलिक, वसीम अकरम, वसीम हैदर और जाहिद फजल शामिल थे। 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी जिम्बाब्वे के जॉन ट्रैकोस, जिनकी उम्र 44 साल थी, जबकि सबसे कम उम्र खिलाड़ी पाकिस्तान के जाहिद फजल, जिनकी उम्र 18 साल थी। पाकिस्तान का पहला मैच वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ था और वेस्टइंडीज़ ने यह मैच 10 विकेट से जीत लिया। इस मैच में रमीज़ राजा 102 और जावेद मियादाद 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान का दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ था। यह मैच 26 फरवरी 1992 को न्यूजीलैंड के मैकलन पार्क में हुआ। पाकिस्तान ने यह मैच 53 रन से जीत लिया। पाकिस्तान ने अपने 50 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 254 स्कोर बनाया। आमिर सोहेल ने सबसे ज़्यादा 114 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे अपने 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन ही बना सका। वसीम अकरम बॉलिंग के साथ पाकिस्तान के स्टार परफॉर्मर रहे। इन्होंने अपने 10 ओवर्स में 21 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का तीसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ था। ये मैच 1 मार्च 1992 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 74 स्कोर बनाए और ये मैच बारिश की वजह से रोकना पड़ गया और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। पाकिस्तान ने अपना चौथा मैच इंडिया के खिलाफ 4 मार्च 1992 को सिडनी में खेला। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम 173 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इंडिया ये मैच 43 रन से जीत गया। पाकिस्तान का पांचवा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 211 रन बनाए और जवाब में पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए और साउथ अफ्रीका ये मैच 20 रन से जीत गया। इसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 172 रन पर आउट कर दिया और पाकिस्तान ये मैच 48 रन से जीत गया।
और फिर पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से हुआ। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 112 रन्स बनाए और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन्स बनाकर यह मैच 4 विकेट से जीत लिया और इस तरह पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान चौथे नंबर पर आया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दोस्तों सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ जो कि टूर्नामेंट की फेवरेट टीम थी। दोस्तों न्यूजीलैंड ने अब तक सिर्फ एक मैच हारा था और पॉइंट्स टेबल में टॉप नंबर पर थी। दोस्तों न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 262 स्कोर बनाया। सबको यही लगा कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा। दूसरी बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के आमिर सोहेल ने सिर्फ 14 रन्स बनाए। रमीज़ राजा ने 44 रन्स की एक शानदार इनिंग्स खेली। इसके अलावा इमरान खान ने खुद को प्रमोट किया और तीसरे नंबर पर आकर 44 रन्स की इनिंग्स खेली। जावेद मियादाद 57 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे और इस मैच में इंजमामुल हक ने 60 रन्स बनाकर पाकिस्तान की जीत को पक्का किया और पाकिस्तान ने यह मैच 4 विकेट्स और 6 बॉल से जीत लिया। दोस्तों 24 मार्च 1992 मेलबर्न ग्राउंड पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 249 रन्स बनाए। इसमें इमरान खान ने 72 रन्स, जावेद मियादाद ने 58 और इंजमामुल हक ने 42 रन्स बनाए और इसके अलावा वसीम अकरम ने 18 बालों पर 33 रन्स बनाकर पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट दिया। और दूसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 227 रन्स पर आउट हो गई और पाकिस्तान ये मैच 22 रन से जीत गया। वसीम अकरम ने अपने 10 ओवर्स में 49 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल कीं। मुश्ताक अहमद ने अपने 10 ओवर्स में 41 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल कीं और आकिब जावेद ने अपने 10 ओवर्स में 27 रन्स देकर 2 विकेटें हासिल कीं।